Assalamu alaikum, listeners and viewers. This is me, your host, Mahat Younes, and you're watching Meri Kahani. मतलब जैसा कि मेरी कहानी के हवाले से आप लोग जानते हैं, अपने मुख्तलिफ एपिसोड्स में बहुत सारे ऐसे लोगों को इनवाइट करते रहते हैं कि जो माशाल्लाह अपनी जिंदगी में कामयाबियों की राहों पर गामजन हैं, इसके साथ साथ और बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन का बायस हैं। उनकी जिंदगियां ऐसी हैं कि वो माशाल्लाह खुद कुछ ना कुछ अचीव कर चुके हैं और अब बहुत सारे और यंगस्टर्स के लिए स्पेशली वो ऐसे काम कर रहे हैं कि लोग उनसे गाइडेंस ले सकें, सीख सकें। और पाकिस्तान में जैसा कि कहा जाता है कि टैलेंट की कोई कमी नहीं, लोग जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी नौजवानों ने अपना लोहा मनवाया है दुनिया में। ये तो ऐसी बातें हैं कि जो नॉर्मली आप लोग सुनते रहते हैं, आपको जानने को मिलती हैं, लेकिन जब बात होती है आईटी की दुनिया के हवाले से और बहुत सारे पाकिस्तानी यंगस्टर्स आप देखते भी रहते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, शोज में, कि वो किस तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। उनमें से एक बड़ा नाम माशाल्लाह राफे बलोच साहब का है। मेरे ख्याल से वो किसी तारों के मोहताज नहीं है, एक लंबी लिस्ट है अगर मैं बैठूं यहाँ पर राफे भाई के बारे में बताने के लिए, तो आप लोग सब उनसे वाकिफ तो हैं, लेकिन हमारा मकसद आज का राफे भाई को अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करने का यही रहा है कि हम लोग राफे के पीछे जो छुपा राफे है उसको जान सकें। तो राफे भाई हमें ज्वाइन करेंगे हमारे लाइव स्टूडियोज में। राफे भाई हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। राफे भाई, मोस्ट वेलकम इन आवर स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैरियर से? वालेकुम सलाम, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। राफे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो में आए। मेरी कहानी जैसा कि सिलसिला है तो हम लोग यकीनन आपके काम के हवाले से भी जानेंगे, बहुत सारे लोग आपको जानते भी हैं, कोई शक नहीं इसमें कि आप वो हमारे लिए एक अजीम सितारे हैं पाकिस्तान के, माशाल्लाह इतनी यंग एज में। राफे भाई बताइएगा क्या हुआ था, क्या ऐसा हुआ था कि राफे भाई जो है वो ऐसे हो गए जैसे अभी हमारे सामने बैठे हैं? देखिए, मेरी जो जिंदगी है इट रिवॉल्व्स अराउंड सीरीज ऑफ डीमोटिवेशन। मुझे अपने पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिली, मुझे मेरे पेरेंट्स ने डीमोटिवेट किया और मेरे टीचर्स ने मुझे डीमोटिवेट किया। अच्छा। मेरे हल्का अहबाब ने, मेरे दोस्तों यारों ने मुझे डीमोटिवेट किया। पेरेंट्स का मेरा ये था कि वो चाहते थे कि मैं एकेडमिकली स्ट्रांग हूं। मैं ये सोचता था कि एक ऐसी चीज अगर मैं पढ़ रहा हूं जिसको मैं प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकता तो फिर क्या फायदा उस चीज को पढ़ने का। तो मैं उधर ध्यान नहीं देता था, मैं दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो मेरा इंटरेस्ट होता था मैं उस तरफ जो है फोकस करता था, जिसकी वजह से मेरी और मेरे पेरेंट्स की लड़ाई चलती रहती थी। वो अपनी जगह ठीक थे, मैं अपनी जगह ठीक था। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मेरी मेरे फादर के साथ लड़ाई हो गई और उन्होंने मुझे कहा कि भाई, क्योंकि मेरी परसेंटेज अच्छी नहीं आई थी फर्स्ट ईयर में, इट वॉज 50-53, उन्होंने कहा कि आप रिपीट करो। मैंने कहा मैं रिपीट नहीं करूँगा। मैंने कहा रिपीट नहीं करोगे तो फिर आप अपने एक्सपेंसेस खुद आप बर्दाश्त करो। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैंने फिर वेबसाइट स्टार्ट की, rafehackingarticles.net, उसी दौरान की, उसी टाइम की बात है। और उस वेबसाइट सरप्राइजिंगली जो मैं वहां पे आर्टिकल्स लिखता था हैकिंग वगैरह के हवाले से, मैं सीखता था चीजें और लोगों में बेसिकली अवेयरनेस स्प्रेड करता था। मुझे डिफरेंट एडवर्टाइजर्स ने अप्रोच किया और मैंने भी एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है आई अर्न हैंडसम अमाउंट, जिससे ऑफ कोर्स मैंने अपने आप को भी सपोर्ट किया, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लाइफ में जब भी कोई चैलेंज मिला मुझे, यानी जब भी मुझे डीमोटिवेट किया गया तो मैंने उसको एज ए चैलेंज लिया। मैंने कहा कि मैंने ये काम करना है सिर्फ और सिर्फ किसी को प्रूफ करने के लिए, मैंने अगले सामने वाले बंदे को प्रूफ करने के लिए कि एक ऑर्डिनरी बंदा जिसके पास कोई स्किल सेट नहीं है वो अपनी स्किल सेट डेवलप करके और वो अपने आप को जो है उस लेवल पे ला सकता है जिसपे ऑफ कोर्स जो है फिर लोग आपके बारे में खुद बात करना स्टार्ट करें, लोग आपको प्रेस करना स्टार्ट करते हैं। अब यही हाल स्कूल में मेरे टीचर्स के साथ भी था। और मुझे याद है कि एक टीचर थे, उन्होंने मुझे और मेरे पेरेंट्स को ये कहा कि अगर ये बच्चा केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, क्योंकि बहुत निकम्मा था क्लास में ना, अगर ये बच्चा केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में
अगर पास भी हो जाता है तो मैं रिजाइन कर दूंगा। मैंने उसको एज ए चैलेंज लिया, मैंने कहा ऐसी की तैसी है। तो मैंने अपने सारे एफर्ट्स जो है ना उस तरफ मैंने अपना सारा फोकस जो है ना उस तरफ डाइवर्ट कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह केमिस्ट्री में 75 आउट ऑफ 74 मार्क्स मेरे आए। वाओ, तो फिर रिजाइन हुआ? ए ग्रेड, ए प्लस बना, हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास। और मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि सर आपसे छोटा सा काम है। तो मैंने कहा जी कौन सा काम है? मैंने कहा आपका रिजाइन चाहिए था, ये रहे मेरे मार्क्स। फिर जब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, मैं यूनिवर्सिटी में गया, वहां भी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुआ, सेकंड सेमेस्टर में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में फेल हुआ। मैं अपना हैकिंग वगैरह के हवाले से ब्लॉग तो मैं लिखता रहता था, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो मैं अपने खर्चे बर्दाश्त कर रहा था वहां से। लेकिन मैं जब कोई सब्जेक्ट पढ़ता था और मुझे बेसिकली उसके बिहाइंड ये चीज नहीं समझ में आती थी कि उस चीज को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जा सकता है, तो फिर मैं कहता था कि यार कोई फायदा नहीं इस चीज को पढ़ने का। तो फिर मैं अपना सारा का सारा फोकस, जो मेरा सब्जेक्ट था, जो बेसिकली मेरा पैशन था एथिकल हैकिंग एंड सिक्योरिटी का, मैं उस तरफ जो है अपनी सारी चीजें जो है अपनी एनर्जी जो है ना वहां मैं लगाता था। ऑफ कोर्स फिर उससे जो है पढ़ाई तो इफेक्ट होती थी। मेरे टीचर्स ने कहा कि यार तुम्हारी जीपीए इतनी है तुम्हें तो कहीं कोई जॉब भी नहीं देगा। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि 2012 में मैंने पेपैल को हैक किया, उसमें मैंने एक रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का बग निकाला, $10,000 उन्होंने रिवॉर्ड किए और उन्होंने साथ साथ एक जॉब ऑफर भी दी। ये चीज पब्लिक है, इसको मुख्तलिफ इंटरनेशनल और यहाँ पे नेशनल न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में भी कवर किया गया। और मैंने जाके वही बात उनके सामने की, आपने मुझे कहा था कि आपकी जीपीए इतनी आपको जॉब नहीं मिलेगी, अभी मैं फोर्थ फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ, अभी मुझे अब देखेंगे जॉब की ऑफर आ गई। 2012 की बात थी, फ्रॉम बेरी यूनिवर्सिटी। तो फिर मैंने ये कहा कि मैंने जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये मैसेज देना है कि यार ये जो जीपीए ये आपके मार्क्स हैं ये मैटर नहीं करते, आपकी स्किल मैटर करती है। फेलिंग इन वन सब्जेक्ट और गेटिंग लो स्कोर डज नॉट मीन दैट यू विल फेल इन योर लाइफ। इफ यू कैन बाय गुड स्किल सेट एंड इफ यू कैन बाय अदर पैरामीटर्स, जैसे कि हैविंग द राइट एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो इट्स गुड, मुझे कोई एतराज नहीं है, बट इट डज नॉट गारंटी दैट यू विल सक्सेसफुल इफ यू कैन नॉट बाय अदर पैरामीटर्स लाइक स्किल सेट। और हम खुद भी पीटीसी सलात में जब हम हायरिंग वगैरह करते थे तो हम लोग देखते थे कि बहुत सारे 4 GPA के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके पास सवाए एकेडमिक नॉलेज के और कुछ भी नहीं है, स्किल सेट तो उनके पास नहीं है। जो आपकी मार्केट है वो आपकी स्किल सेट मांगती है, और हम सबको पता है कि कितना डिफरेंस है, यानी कितना गैप है बिटवीन द एकेडमी एंड द इंडस्ट्री। हमारी एकेडमी आज भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, हमारे जो फाइनल प्रोजेक्ट्स होते हैं बैचलर्स के, दे रिवॉल्व अराउंड दीज हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम और सो ऑन एंड सो फोर्थ। चाइना से ड्रोन मंगवा लिया और उसके ऊपर जो है ना उसको आगे आके प्रेजेंट कर दिया, इस तरह के भी केसेस हुए हैं। तो रिसर्च ओरिएंटेड काम नहीं है। तो मेरी जिंदगी जो है इट रिवॉल्व अराउंड सीरीज ऑफ डीमोटिवेशन, और मैंने उस डीमोटिवेशन में अपनी मोटिवेशन ढूंढी है, सिर्फ ये कि मैं प्रूव कर सकूं। एक ऐसा इंसिडेंट मैं शेयर करूंगा जो कि मैंने आज तक कभी भी शेयर नहीं किया किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया में इंटरव्यूज हुए हैं, यहाँ पे भी हुए हैं, लेकिन ये मैंने इंसिडेंट शेयर नहीं किया, लेकिन आज मैं करना चाहूंगा कि ये बात है। जब मैं 7th सेमेस्टर में था, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक क्लास थी, और उस क्लास में मैंने एक जोक क्रैक किया, तो उसके ऊपर जो है मुझे एक मेरा क्लास फेलो था, उसने 1-1 रुपए के सिक्के फेंक दिए, हुआ कि मेरी शर्ट पे लगे। तो मुझसे जो टीचर थे उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है ना, मैंने कहा सर इनकी रकम गिर गई, मैं इनको उठा के दे रहा था। उसके ऊपर उन्होंने
ठीक ठाक जो है ना मेरी इज्जत अफजाई की कि भाई आपको तमीज नहीं है, कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं, और पढ़ते भी नहीं, आप ये भी नहीं करते, आप वो भी नहीं करते। और मैं बड़ा अपसेट हो गया। मैंने कहा यार बस मैं यहाँ से उठता हूँ और मैं उठ के बाहर जाऊंगा और मैं कोर्स ड्रॉप कर दूंगा, ऐसी की तैसी देखी जाएगी जो होगी। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि HOD का PA आया और उसने कहा कि गूगल वाले आए हैं, गूगल कोरिया से टीम आई हुई है और यहाँ जो गूगल पाकिस्तान के लोग भी आए हुए हैं, तो यू आर इमीडिएटली रिक्वेस्टेड टू प्रोसीड टू द ऑडिटोरियम। तो क्लास वो डिसमिस होगी, हम लोग सारे ऑडिटोरियम में चले गए, वो टीचर भी चले गए, वो मेरे स्टूडेंट भी वहां चले गए। तो वहां पर मैंने देखा तो बदर खुशनूद साहब खड़े हुए थे और मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा सर आर यू हियर? तो उसने कहा यस आई एम हियर, वेयर आर यू? मैंने कहा सर आई एम इन द ऑडिटोरियम। कहते कम डाउन। मैं नीचे गया तो मुझे रोक लिया वहां पे जो गार्ड वगैरह खड़े थे, तो उसने इशारा किया कि भाई इधर आओ। तो वो जो डायरेक्टर थे हमारी यूनिवर्सिटी को देखना स्टार्ट हो गए कि कौन है ये, कौन बच्चा है जिसको जो है ना ये गूगल से लोग बुला रहे हैं। तो बदर खुशनूद साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि ये गूगल की टीम है और ये है वो है स्टूडेंट्स। और मैं वापस ऑडियंस में चला गया तो लोगों ने मुझे कहा कि यार जो है ना ऐसे चले गए और नंबर बढ़ाने के लिए ये, और जिस तरह होता है आपको क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है। तो मैं वापस ऑडियंस में चला गया और ऑडियंस में मैं बैठ गया तो बदर खुशनूद साहब ने स्पीच स्टार्ट की, जहां रबी आई हुई थी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है पाशा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की। तो बदर खुशनूद साहब ने पहले बताया कि भाई गूगल ये कर रहा पाकिस्तान में, द थिंग्स दैट गूगल इज डूइंग। फिर आखिर में कहा कि उन्होंने लास्ट बट नॉट लीस्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ स्टूडेंट ऑफ योर्स हु हैपेंस टू बी इन आवर ग्लोबल गूगल ग्लोबल हॉल ऑफ फेम। मेरा उस वक्त नाम जो है ना गूगल के हॉल ऑफ फेम में आया हुआ था, आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तानी रिसर्चर्स जिसका नाम जो है गूगल हॉल ऑफ फेम में आया फॉर सिक्योरिटी रिपोर्टिंग सिक्योरिटी बग्स। तो ऑफकोर्स सब ने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा कि राफी आर यू हियर इन द ऑडियंस? मैंने कहा जी आई एम हियर इन द ऑडियंस। उन्होंने कहा कि स्टैंड अप। तो मैं खड़ा हो गया, उन्होंने कहा राफी अगर आप यहाँ बैठे हुए तो आप खड़े हो जाए। तो ऑफकोर्स सब ने मेरी तरफ देखा और जो है उस टीचर ने भी मेरी तरफ देखा। तो बदर खुशनूद साहब जो है वो गए स्टेज पे और उन्होंने पहले तो गूगल वगैरह के बारे में बताया कि गूगल पाकिस्तान में क्या कर रहा है, ग्लोबली क्या किन प्रोजेक्ट्स का उन्होंने आगाज किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि लास्ट बट नॉट लीस्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ स्टूडेंट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी हु हैपेंस टू बी इन आवर गूगल्स ग्लोबल हॉल ऑफ फेम। और मेरा नाम जो है वो गूगल के हॉल ऑफ फेम में था, वाज वन ऑफ द फर्स्ट पाकिस्तान रिसर्चर्स जिनका नाम जो है गूगल हॉल ऑफ फेम में था। और उन्होंने कहा कि राफे अगर आप यहाँ ऑडियंस में हैं तो आप जो प्लीज स्टैंड अप। तो आई स्टूड अप और उन्होंने फिर सबको बताया कि भाई ग्लोबल हॉल ऑफ फेम में है हमारे और सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ऑफ कोर्स जब मैं वहां से निकला तो आई वाज सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, तो जो मुझे जानते थे लेकिन जिनको नहीं पता था कि मैं इस यूनिवर्सिटी में का ही स्टूडेंट हूँ। और फिर मुझे किसी ने ये बात की कि जिस शख्स ने वो आप पे उसे सिक्के फेंके वही सिक्के उसके मुंह पे चमाट बन के लग गए। तो पॉइंट इज के आपको आपकी जो भी फील्ड है, जो भी आपका पैशन है, आपको कंटिन्यू करना होता है, आपके हार्डशिप्स आएंगी और डिफरेंट आपको डिमोटिवेट किया जाएगा, आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, लेकिन आप वो सिर्फ अपनी एफर्ट जारी रखनी है, अल्लाह ताला आपका रास्ता खुद बनाता है। और दिस वॉज समथिंग दैट वॉज कोइंसिडेंशियल, एक कोइंसिडेंस था। कितना मुश्किल है राफे उस कैफियत पर काबू पाना और उसमें से निकलना, मतलब थोड़ा मजीद जानना चाहेंगे किस तरह से आपने ये इतना बर्दाश्त कर लिया? देखिए वो एक कोट है ना कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। तो आपकी जिंदगी में आपके ऊपर हार्डशिप्स आती हैं, आपको क्रिटिसाइज किया जाता है, आपको डिमोटिवेट किया जाता है, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने उस डिमोटिवेशन में मोटिवेशन निकाली। जब भी मुझे किसी ने क्रिटिसाइज किया, कहा कि यार तुम ये काम नहीं कर सकते, मैंने कहा यार मैंने ये काम करके दिखाना है और एट एनी कॉस्ट मैंने ये काम करके दिखाना है, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि मैं ये काम कर सकता हूं। तो मोटिवेशन जो है ना, ये हर बंदा जो कि दुनिया में सक्सेसफुल हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं उसको मोटिवेशन मिली है। तो यू हैव टू फाइंड द मोटिवेशन।
और सबसे बड़ी बात यह कि लोग फेलियर से डरते हैं. आपको फेलियर से नहीं डरना. इस फेलियर इज अ डोर स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस. लोग कहते हैं कि हम फेल हो जाएंगे इसलिए हम ये काम ही नहीं करेंगे. जिंदगी में हमेशा मौका अवेल करके पछताओ, मौका अवेल करके ना पछताओ. बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त. यकीनन राफे, ये चीजें जो है वो कहते हैं जो बंदा इन चीजों में से गुजर के आता है वो सही बयान कर सकता है. तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप वो चीजें बयान कर रहे हैं, रियलिटीज बता रहे हैं. नॉर्मली लोग नाम देखते हैं, उसके पीछे छुपी जो चीजें हैं. आज हमारी भी यही कोशिश है कि हम ये जान सकें, ताकि और बहुत सारे जैसे यंगस्टर्स हैं वो सीखें, क्योंकि इस एज में जज्बात बहुत होते हैं और बर्दाश्त कम होती है, मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है. तो राफी भाई, जानना हम ये चाहेंगे, बहुत सारे यंगस्टर्स से आप मिलते होंगे, बहुत सारे मीटअप्स में आप जाते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स आप अटेंड करते हैं, तो और लोग ऐसे कैसे पैदा किए जाएं? आपकी क्या फीलिंग है इस बारे में? मतलब आप किस तरह से सर्व करना चाहते हैं, किस तरह से और अपने जैसे राफे बनाना चाहते हैं? कभी सोचा है इस बारे में? जी बिल्कुल सोचा है. और मैं बेसिकली जो तनकीद करता हूँ इस पे, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे करता हूँ. और उसमें बहुत सारे फ्लॉज मौजूद हैं. अगर आप स्कूलिंग से स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो हमारा मेजॉरिटी, जो हमारी पॉपुलेशन है, वो लोअर मिडिल क्लास है या बिलो लोअर मिडिल क्लास है, जो कि ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते. तो अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो बच्चे होते हैं उनको वो गवर्नमेंट स्कूल्स में और गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है उनका दाखिला करवाते हैं. उनका हाल आपने देख लिया है कि टीचर जो है वहाँ गैर हाजिर होते हैं, और उसके बाद कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से उनको, अच्छा वो अपने निजी इंस्टीट्यूट्स चला रहे होते हैं शाना बशाना इन पैरल टू टीचिंग. तो उनकी कोशिश होती है कि बच्चों को किस तरीके से जो है ना प्राइवेट जो उनके कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे गिरा जाए. और उसके बाद जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं उनके ऊपर भी जो उनकी ठीक ठाक मोनोपली होती है, नंबर वन. नंबर टू ये कि हम जो निसाब है, जो कोर्स है, जो पढ़ाया जा रहा है, यकीनन आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं जो आपने और मैंने पढ़ा, और यहाँ तक कि हमारे माँ बाप ने भी वही पढ़ा होगा. जबकि आप देखें कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, और खासतौर पे जब हम टेक्नोलॉजी, हम आईटी की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी ने तो दुनिया के बिजनेसेस को, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को तब्दील कर दिया गया है. जैसे कि फिनलैंड है, फिनलैंड में दरख्त बहुत ज्यादा होते हैं, जंगलात हैं, तो उनका एक्सपोर्ट पेपर होता था, पेपर एक्सपोर्ट करते थे वो. आज वो कार्ड बॉक्सेस एक्सपोर्ट करते हैं. अब कार्ड बॉक्सेस क्यों एक्सपोर्ट करते हैं कि ईबे से, अगर अमेजोन से जब भी आप चीज मंगवाते हैं तो वो कार्ड बॉक्सेस में आती है. तो आईटी ने दुनिया के एक कंट्री की जो है वो ट्रेड तब्दील कर दी, एक्सपोर्ट तब्दील कर दी. हमने क्या उस चीज को अडॉप्ट किया? यानी कि हम नहीं कर पाए अडॉप्ट. लेकिन ये मैं समझता हूँ कि आईटी जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के दरमियान जो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हुई है, उसके लिए आईटी जो है वो एक मोटर वे साबित हुआ है. अनफॉर्चुनेटली ग्रास रूट के ऊपर जो है इसके ऊपर किसी भी किस्म का फोकस नहीं किया गया. फिर जब हम यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है. वो ये फ्लॉ है कि एक बच्चा है वो बैचलर्स करेगा, 4 GPA लाएगा, गोल्ड मेडलिस्ट होगा, उसको स्कॉलरशिप दे देंगे, अभी मास्टर्स करो, मास्टर्स कर लिया, मास्टर्स के बाद कहेंगे कि हाँ भाई हमारी यूनिवर्सिटी में एज ए लैब इंजीनियर या एज इंस्ट्रक्टर आ जाओ, क्यों भाई क्रीम है हमारी यूनिवर्सिटी. हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे जो है वो जो इस तरह के होंगे, काबिल होंगे, उनको हम अपनी यूनिवर्सिटी में रिक्रूट कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे. अब जो उसने कोर्स पढ़ा होगा, उसको गुजरे 5 साल हो गए, उस कोर्स में कोई तब्दीली नहीं आई, वो इंडस्ट्री में नहीं गया, उसको नहीं पता इंडस्ट्री में चीजें क्या चल रही हैं. उसने जो पढ़ा वो एक ऑब्सोलीट चीज उसने पढ़ी है, आईटी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई. वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? वो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक जो है नॉलेज होगी वो डिलीवर कर सकता, प्रैक्टिकल नॉलेज डिलीवर नहीं कर सकता. तो हमें अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको मार्केट के लिए प्रिपेयर करना है, उनको हमने जो है वो प्रैक्टिकल जो है ना बताना है कि भाई ठीक है यार ग्रेड्स मैटर करते हैं, लेकिन यार जो आपकी स्किल सेट है वही आपको जो है हेल्प करेगी. सही बहुत सारी भी रगे हैं, यकीनन अगर इन पर बात की जाए तो बहुत सारी बातें निकलेंगी. बहरहाल राफे भाई, आपने थोड़ी देर पहले एक बात की थी फेलवर के हवाले से, नाकामी के हवाले से, कि सीखा जाए, परेशान ना हुआ जाए.
तो आपका सबसे बड़ा जिंदगी का फेलियर पिछले कुछ सालों में जब से आपने काम शुरू किया है, कितने दफा फेल हुए हैं, किस तरह की चीजें यूनिवर्सिटी लाइफ आपने बता दी, इस काम में कहाँ कहाँ फेलियर हुआ है और उसका फायदा आपने कैसे उठाया? देखें, अब बहुत सारी चीजें कोर्स मैंने कुछ चीजें रिवील कर ली, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल में है, वो आपके कुछ अगले एपिसोड के लिए हम रखेंगे लेकिन यह है कि मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे याद भी नहीं है कि मैं कितनी बार फेल हुआ हूँ। हर बार जो है ना कहीं मुझे किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कोई डिमोटिवेशन मिली, और हर बार मैंने ये देखा है कि जब भी मुझे एक डिमोटिवेशन मिली है कि मैंने उसमें से मोटिवेशन निकाल के मैंने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया है। मतलब मुझे अगर ये चीज कही जाती है कि यार तुम ये काम नहीं कर सकते, या तुम केपेबल नहीं हो, तुम्हारी केपेबिलिटी नहीं है, तो फिर मैं ये प्रूव करता हूँ कि भाई हर बंदे के अंदर केपेबिलिटी आ सकती है अगर वो एफर्ट्स कर रहे हैं, वो उसको डायरेक्शन अगर मिल जाती है। वो कहते हैं ना, कीप द फायर बर्निंग इनसाइड ऑफ यू, सी जो उसने कहा ना, स्टे हंग्री एंड स्टे फूलिश। बिल्कुल 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 जबरदस्त। और जी, जो सक्सेस है वो, जिस तरह मैंने अर्ज किया था पहले भी डिफरेंट जगहों के ऊपर मैंने बात कोट की, जो सक्सेस है वो यूनिवर्सल नहीं है, सक्सेस इज स्टेट ऑफ माइंड। हर इंसान के लिए सक्सेस वेरी करता है, आपके लिए सक्सेस वेरी करता होगा, डिफरेंट होगा आपके लिए, सक्सेस के पैरामीटर्स होंगे, मेरे लिए डिफरेंट है। देखें, बीइंग ए बिलियनियर, ठीक है, सोसाइटी कहती है कि इफ समवन इज अ बिलियनियर ही और शी इज सक्सेसफुल। मैं ये कहता हूं कि दुनिया की हिस्ट्री कभी बिलियनियर्स को याद नहीं रखती, हिस्ट्री हैज नॉट रिमेंबर एनीवन फॉर हिज और हर वेल्थ। आप देख लें दुनिया की तारीख में कोई एक एग्जांपल मुझे निकाल के देता है जिसमें एक बंदे को उसकी दौलत की वजह से याद किया गया। तो मेरे नजदीक सक्सेस के पैरामीटर्स डिफरेंट है। हिस्ट्री याद रखती है फिलोसोफर्स को, जैसे कि एरिस्टोटल प्लेटो को हिस्ट्री याद रखती है, इनोवेटर्स को जावेद इब्ने हयान, और हिस्ट्री याद रखती है उन लोगों को जिन्होंने अपने नेशन के लिए कुछ किया, जिन्होंने दूसरों के लिए सेक्रीफाइस किया। तो बीइंग बिलियनियर इज नॉट, मतलब मेरे नजदीक जो है वो ठीक है, इट्स गुड दैट यू हैव मनी फॉर योर सर्वाइवल तो नहीं, ऑफ कोर्स फॉर योर लग्जूरियस लाइफ, यू कैन लिव अ लग्जूरियस लाइफ, बट सक्सेस इन द एंड इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। सही, यकीनन आपकी कामयाबियां भी हमारे सामने हैं माशाल्लाह, मुख्तलिफ सतह पर आपने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और हम देखते भी रहते हैं, लेकिन इस शो के तवसुल से भी हम जानना चाहेंगे सबसे बड़ी कामयाबी माशाल्लाह कौन सी हासिल हुई और आप किस तरह से उस चीज़ को कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। सबसे बड़ी कामयाबी मेरे नज़दीक ये थी कि मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया ब्लैक हैट कॉन्फ्रेंस में। ब्लैक हैट एशिया, ये वो कॉन्फ्रेंस है जिसमें आज से पहले किसी पाकिस्तानी ने प्रेजेंट नहीं किया टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। और यहाँ पे इजराइल से और इंडिया से मुख्तलिफ दुनिया भर से जो है ना बेहतरीन रिसर्चर्स जो है यहाँ पे आते हैं, जिसमें ड्रोन हैकिंग की, प्लेन हैकिंग की, ट्रेन हैकिंग की, इस तरह की चीजों की बात की जाती है। मैंने जो रिसर्च की एंड्रॉयड के ऊपर उसको बीबीसी ने कवर किया, जिसमें फ्लॉ था दैट इफेक्टेड 1 बिलियन डिवाइसेस, 1 बिलियन से ज्यादा डिवाइसेस जो है ना वो मुतासर थी। मैंने उस फ्लॉ को रिकॉग्नाइज किया और वो मेरी रिसर्च जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैक हैट एशिया में जो है वो मुझे मौका मिला प्रेजेंट करने का अपने कंट्री को। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया। इंसान सक्सेसफुल होता है तो वो ये समझता है कि उसकी कॉम्पिटेंसी है ये जिसकी वजह से, या उसकी हार्डवर्क है सिर्फ जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला को भूल जाता है। और यकीनन जो है वो इसमें सब जो था वो खुदा की तरफ से था, वरना हम तो ना चीज है। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह रफे, आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं कि जिनकी वजह से और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों पर असर पड़ा है, तो इम्पैक्ट यकीनन बहुत बड़ा है आपकी कामयाबियों का और यंगस्टर्स मोटिवेट हुए हैं, इस फील्ड में आए हैं। तो राफे भाई, कुछ चीधा चीधा आपके प्रोजेक्ट्स अगर आप डिस्कस करना चाहें हमारे सुनने और देखने वालों से कि इस वक्त किस नहज पे हैं आप, क्या कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं इन फ्यूचर, क्या प्लान है? देखें, प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे चल रहे हैं इन पैरेलल। ऑफ कोर्स मैं कंसल्टेंसीज भी कर रहा होता हूँ, रिसर्च भी अपनी मैं पब्लिश कर रहा होता हूँ मुख्तलिफ सिक्योरिटी के हवाले से, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर।
लेकिन जो मैं करना चाह रहा था वो मैं ऑफ कोर्स अब तक नहीं कर पाया, वो ये कि मैं पाकिस्तान में एक साइबर सिक्योरिटी यूनिट बनाना चाह रहा था। कोई भी बंदा जो कि साइबर सिक्योरिटी के फील्ड से, वो भले आईटी से क्यों ना हो, भले वो लॉ एनफोर्समेंट से क्यों ना हो, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करता है कि पाकिस्तान में जो है वो एक साइबर सिक्योरिटी यूनिट की और साइबर के हवाले से डिफेंस मैकेनिज्म की जो है ना वो कमी है। देखें, इंफॉर्मेशन क्या थी पहले? इंफॉर्मेशन यूज टू बी समथिंग दैट वाज ऑन पीस ऑफ पेपर। आज इंफॉर्मेशन क्या है? जीरो एंड वन। और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो अटैक्स आते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से, लोग ये कहते हैं कि कहाँ अटैक्स हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म कहाँ है, डिटेक्शन का मैकेनिज्म कहाँ है कि कहाँ अटैक्स हैं। और तो और जिस तरह GCHQ एडवर्ड स्नोडन ने जो कि NSA के जो कि US की एक सर्वेलेंस की एक एजेंसी है, उसका एक बंदा जो कि बागी वो बंदा एडवर्ड स्नोडन, उसने ये हैरान को इंकशाफात किए कि जो आपके गूगल और जितने भी आपके ये US बेस्ड कंपनीज हैं, ये सारे का सारा आपका डाटा मॉनिटर कर रही हैं, तो उसकी बड़ी एक अच्छी क्रेडिबिलिटी रही है। तो उसने ये बात की कि जो आपके UK की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसे हम GCHQ के नाम से कहा जाता है, जो कि साइबर वगैरह के हवाले से चीजें देख रही होती है, उसने PTCL के उसने मुख्तलिफ NTC के सिस्टम्स तक रसाई हासिल किए हैं, समथिंग वेरी बिग, क्योंकि हमारा बेसिकली सारा का सारा कम्युनिकेशन का निजाम जो है वो इंटरसेप्ट किया गया है एडवर्ड स्नोडन के हिसाब से। अब इस तरह की जितनी भी अटैक्स हैं उनको टैकल करने के लिए कोई डेडिकेटेड टीम नहीं है, और ऑफ कोर्स ये रिस्पांसिबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी बनती है। तो मैंने गवर्नमेंट से मुतालबा किया मुख्तलिफ शोज में आके, मैंने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में सर्व करूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप मुझे मौका दें, तो मैं एक साल जो है ये पीटता रहा, मैं कहता रहा कि भाई आप मुझे अपॉर्चुनिटी दें, आप मुझे देख लें कि मैं क्या अकॉम्प्लिश कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। अगर कोई जो बाहर की जो कंपनी के लोग हैं अगर वो प्रेस कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो वजह जरूरी है ना उसके बिहाइंड। तो बहरहाल उस पर कोई भी मुझे मौका जो है फराहम नहीं किया गया, तो फिर मैंने डिसाइड किया ठीक है अब आप नहीं आप मौका फराहम करें तो फिर आई हैव अ प्लान बी, मैं उस प्लान बी के ऊपर जो है जाऊंगा। सही। कोई मैसेज देना चाहें, कन्वे करना चाहें, कुछ कुछ मजीद बताना चाहें अपने जो है वो प्लान बी के हवाले से? प्लान बी जो है वो अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, प्लान बी जो है वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन बस ऑब्वियसली ये कि इन शॉर्ट ये कहना चाहूंगा, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि जो लोग बैठे हुए हैं मिनिस्ट्रीज में और जो लोग बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में, उनके पास बिल्कुल भी जो है ना IT के हवाले से विजन नहीं है। इंडिया की कोई 40% इकॉनमी जो है वो IT जनरेट कर रहा है, और हम लोग जो है इतने पीछे हैं कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो जीमेल के अकाउंट इस्तेमाल करते हैं। आप ये बताएंगे जीमेल US बेस्ड सर्विस है गूगल की, हमारे मिनिस्टर जो है वो अपने सर्विसेज से ज्यादा जीमेल US की सर्विसेज पे एतमाद करेंगे, तो हम उन पे क्यों एतमाद करें? सवाल तो ये उठता है ना। तो ये प्लान भी इंशाल्लाह सामने आ जाएगा। यंगस्टर्स के लिए ये है कि आप जो है ना लोग आपको कहते रहेंगे कि हाँ भाई यार ये काम जो है आप कर रहे हो इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा कोई इसमें आप यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, और लोग आपको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, लोग आपको डिमोटिवेट करने, आपने उनकी बात ही सुनी है। अगर आपको ये लगता है कि ये आपका पैशन है तो आप उसको फॉलो करें, और इंशाल्लाह ताला जो है ना अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और ये जो लोग कहते हैं कि हाँ भाई यार GPA होगी और आपके ग्रेड्स अच्छे होंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, दिस इज नॉट ट्रू। दुनिया में जितने भी लोग जो चेंज लाए हैं उनकी आप देख लें, उनके एकेडमिक स्टैट्स देख लें आप, जो बड़े बड़े इनोवेटर्स हैं इन्वेंटर्स हैं, नॉट मैं ये बेसिकली मैं ये नहीं कहता कि भाई मार्क्स नहीं होने चाहिए पढ़ना ही छोड़ दो, मैं कहता हूँ भाई पढ़ो आप बिल्कुल पढ़ो, लेकिन जो है आप स्किल डेवलप करो साथ साथ अपने। और आखिर भाई हैकिंग एथिकल हैकिंग रिलेटेड या आपके काम से रिलेटेड अगर लोग मजीद जानना चाहें या सीखना चाहें किस तरह से लोग, कोई ऐसा फोरम है आपका जहां पर लोग आपके बारे में जान सकते हैं और मे बी आपसे सीख भी सकते? देखें इसमें अब मुख्तलिफ फोरम्स हैं जहां पर जो है मैं कम्युनिकेट करता हूं, मेरा फेसबुक का पेज है रैपेबल वॉच ऑफिशियल पेज के नाम से, और ट्विटर के ऊपर हूं, लेकिन ये कि मोस्टली मैं अपनी रिसर्च राफे हैकिंग आर्टिकल्स डॉट नेट के ऊपर जो है वो प्रेजेंट करता हूँ। जो वो लोग हैं जो एथिकल हैकिंग में आना चाहते हैं, ऑफ कोर्स जो एथिकल हैकिंग है उसकी
बहुत ज्यादा डिमांड है वर्ल्ड वाइड, और पाकिस्तान में आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है इसका एक बूम आने वाला आईटी का भी और इसका भी एथिकल हैकिंग का भी, ऑफ कोर्स, क्योंकि जहाँ टेक्नोलॉजी होगी वहाँ पे टेक्नोलॉजी को सिक्योर करने की बात की जाएगी, और जैसे जैसे चीजें आसान होती जा रही हैं, हैकर्स प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, इस तरह के बेतहाशा जो है वो इंसिडेंट्स होंगे, और तब जाके जो है बेसिकली गवर्नमेंट इस चीज को रियलाइज करेगी कि इस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या नहीं है। तो मेरा बुक है एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग गाइड, 2014 में मैंने उसको पब्लिश किया था टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप के तवसुल से, जो कि लंदन में है पब्लिशर है, तो वो ऑफ कोर्स आप रेफर कर सकते हैं, वो लोग जिनको एथिकल हैकिंग के बारे में नहीं पता और जो है वो सीखना चाहते हैं प्रोफेशनली उसको कैसे किया जाता है, और तो वो बेसिकली इसको रेफर कर सकते हैं। किस तरह से आपकी बुक वो मंगाई जा सकती है, ऑनलाइन है कि कोई लिंक है या आपसे कांटेक्ट किया? अगर आप गूगल करेंगे तो आपको टॉरेंट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ कॉपी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अब ये नहीं कहता अफोर्ड, मुझे पता है यार लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो अब क्या करें, लेकिन मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि भाई पायरेसी करो, मैं खुद कोर्स इस चीज के अगेंस्ट हूँ, लेकिन हार्ड कॉपी अगर चाहिए तो अमेज़न से मिल जाएगी, अमेज़न के ऊपर एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग गाइड या राफे बलोच फेसबुक लिखे आप गूगल के ऊपर तो आप मिल जाएगी। ठीक हो गया राफे भाई। अच्छा राफे भाई, कुछ ऐसा रह गया हो आपकी लाइफ स्टोरी के हवाले से जो हम आपसे ना पूछ सके हो या आप मिस कर गए हो? आप कुछ दूसरे एपिसोड की बचा के रखे हैं फार साहब, तो इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीजों से जो है ना हम पर्दा हटाएंगे इंशाल्लाह। अभी बहुत सारी चीजों पर्दे में रहने दें। जी जरूर यकीनन आपकी खिदमत या आपकी थिंकिंग और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप जिन पर आप काम कर रहे हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। हम अपने शो मेरी कहानी के बारे में भी जो है वो आपकी राय लेना चाहेंगे, आप कुछ बोलना चाहें, हमें कोई मशवरा देना चाहें आप? जी मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप बेसिकली एक यूनिक कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों के पास जाएं, और माशाल्लाह ऑफ कोर्स बैक्ड बाय योर एक्सपीरियंस, आप का रेडियो में भी एक्सपीरियंस रहा है, तो आप माशाल्लाह जो है ना बड़े प्रोफेशनल सवाल पूछते हैं, और कोर्स मैं भी अपने जो भी व्यूअर्स होंगे उन पर भी ये तक ये शो जो है प्रमोट करूंगा, और हमारी भी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राफी भाई, आपने स्पेशली टाइम निकाला, इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हम लोग आपके साथ रابطے में रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज। जी जनाब, ये तो था हमारा आज का शो, आपने देखा राफी बलोच साहब की आपने कहानी सुनी, आप यकीनन उनके इंटरव्यू सुनते रहते हैं, लेकिन हमारा खास मकसद ये था कि हम राफी के पीछे छुपे राफे को ढूंढ सकें, और आज उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई कि जो यकीनन वो जैसा कि बता रहे थे कि उन्होंने किसी इंटरव्यू में नहीं बताई, तो यकीनन हर इंसान की कामयाबी के पीछे बहुत सारी छुपी ऐसी चीज़ें हैं, साल साल की मेहनत है, और ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से उन लोगों ने उन्हें फेस करके आगे बढ़े, और आज माशाल्लाह उनका नाम पूरी दुनिया जानती है। तो आप लोगों के पास भी अगर कोई इस तरह का शख्स हो, कोई आप समझते हो कि पाकिस्तानी ऐसा काम कर रहा है इस तरह से और उसकी कहानी हमें कवर करनी चाहिए, तो आप ज़रूर हमें फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/मेरी कहानी और वेबसाइट है www.मेरी कहानी.org। मैं हूँ फाज यूनस, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है किसी और नए गेस्ट के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।